दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में तमिलनाडु ने रोमांचक जीत दर्ज करते हुए कर्नाटक को 4 विकेट से हरा दिया है। आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 16 रन बनाने थे और अंतिम गेंद पर शाहरुख खान ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। वहीं टॉस गंवाकर पहले खेलते हुए कर्नाटक ने 7 विकेट के नुकसान पर 151 रनों का स्कोर बनाया था। वहीं टीम के लिए अभिनव मनोहर 46 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि प्रवीण दुबे ने भी 33 रनों का योगदान दिया। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान मनीष पांडे फाइनल में कुछ खास नहीं कर सके और 15 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। वहीं तमिलनाडु के लिए युवा स्पिनर साई किशोर ने सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए। 152 रनों के टारगेट को तमिलनाडु ने आखिरी गेंद पर 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। वहीं टीम की जीत में विजय छक्का लगाने वाले शाहरुख खान ने 15 गेंदों पर नाबाद 33 रनों की आतिशबाजी खेली। तमिलनाडु की टीम लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने में सफल रही। पिछले साल टीम ने फाइनल में बड़ौदा को 7 विकेट से हराया था। उस समय टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक थे। ओवरऑल तमिलनाडु तीसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चैंपियन बनने में सफल रही। सबसे पहली टीम ने ये खिताब 2006 और 7 में जीतकर अपने नाम किया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।